Assalamualaikum 7th class. I hope you will be fine. It's your maths class and I am your maths teacher. 7th class आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करूँगी, वो ये कि वो बच्चे जो कि जिन्होंने बुक्स नहीं ली थी लास्ट वीक या जब से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, वो किसी भी रीज़न की वजह से जो है वो क्लासेस नहीं ले सके, तो उनके लिए क्या है कि हम दोबारा से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हम शुरू से दोबारा पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ वो बच्चे जो कि जिन्होंने पहले सीरियसली नहीं पढ़ा या कि वो भी किसी वजह से अपनी क्लासेस नहीं ले सके थे, तो वो सब बच्चे क्या कर सकते हैं कि अब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको दोबारा से ले सकते हैं। यूनिट नंबर 1 सेट्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम सेट की डेफिनेशन देखेंगे, सेट को किस तरह से लिखा जाता है हम वो देखेंगे, और उसके अलावा हम क्या देखेंगे कि ऑपरेशंस कौन कौन से सेट पर हो सकते हैं, हम वो सब जो है वो इस यूनिट में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा हम सेट की डेफिनेशन देखेंगे। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और नंबर। सेट हमारे पास क्या है, एक कलेक्शन है। कैसी कलेक्शन है, जिसमें वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या फिर नंबर्स होते हैं। द ऑब्जेक्ट्स आर नंबर इन एनी सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट। किसी भी सेट में जो नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो उस सेट के मेंबर्स या फिर एलिमेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे देखिए हमारे पास सेट की एग्जाम्पल दी गई हैं। बी इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ पाकिस्तानी प्रोविंसेस। अब हमें क्या है, हमें क्लियर है कि ये प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं और दूसरा किसके प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के। तो हमें पता होगा कि ये कैसा सेट है जिसमें पाकिस्तान के सूबों के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखो हमारे पास सेट है। C इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हमारी ज्योमेट्री में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये सेट भी हमें क्लियर है। और इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि ये जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें जो जो इंस्ट्रूमेंट आएंगे वो सब उस सेट के क्या कहलाएंगे, मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है, हम यहाँ पे क्वेश्चन राइट करेंगे बेटा। हाउ मैनी वेज टू एक्सप्रेस आ सेट। एक सेट को जाहिर करने के या एक सेट को लिखने के कितने तरीके हैं, हम आंसर देखेंगे। देर आर 3 वेज टू एक्सप्रेस आ सेट। एक सेट को लिखने के या जाहिर करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकेंड टेबुलर फॉर्म, थर्ड सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम मज़ीद जो है वो ये देखेंगे कि जैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसी होती है, उसमें सेट को कैसे लिखा जाता है और उसके क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ देखें बेटा, यहाँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डेफिनेशन दी गई है। इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट। अगर किसी सेट को स्टेटमेंट की मदद से लिखा जाए या जाहिर किया जाए वो आपके पास क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल एन इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि हमारे पास जो काउंटिंग है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि हमने एक स्टेटमेंट में बात कर दी, तो ये बेटा क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे z इज इक्वल टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, कि इंटीजर्स को आपने कैसे लिखा, स्टेटमेंट की फॉर्म में, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये आपके पास बेटा क्या हो जाती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इसी डेफिनेशन को देखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नीचे दिए गए सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेट दिए गए हैं बेटा जिन्हें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी कि स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगी, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद प्रैक्टिस करोगे। यहाँ देखें बेटा, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है ए इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स हैं। तो अब हम इन्हें स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कि ये कैसा सेट है, ये एक वॉवल्स का सेट है और वॉवल्स किसके हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो आपने स्टेटमेंट में कैसे लिखा, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सी इज़ इक्वल टू, अब इसमें एलिमेंट देखें कौन से आ रहे हैं, एस पी आर आई एन जी। ये हमारे पास क्या बना, स्प्रिंग के स्पेलिंग है। तो अब हम इनको कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट की फॉर्म में, C इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स, किसके लेटर्स हैं ये, ऑफ वर्ड स्प्रिंग,
सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्प्रिंग, के एक स्प्रिंग वर्ड है उसके लेटर्स का ये सेट दिया गया है, तो हमने इसे स्टेटमेंट में लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ई इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास काउंटिंग दी गई है, और इसके साथ साथ हम इसे ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 to 10, कि ये एक नेचुरल नंबर्स का सेट है और उसमें एलिमेंट कहाँ से हैं, 6 से स्टार्ट हो रहे हैं और 10 पर एंड हो रहे हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 to 10। तो ये हमने क्या किया, इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, g इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ये सीधी लाइन को कहते हैं सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस साइन को बिलोंग टू कहा जाता है, ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है, बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 99। कि ये कैसा सेट है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और उसमें एलिमेंट कैसे हैं, 99 से ग्रेटर हैं। तो अब हम इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये हमें एन दिया गया है ना, और यहाँ पे जो एक्स है बेटा इसका मतलब होता है एलिमेंट, कि ये जो एलिमेंट हैं ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये कैसा सेट होगा, ये नेचुरल नंबर्स का सेट होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैसे हैं नेचुरल नंबर्स, ग्रेटर देन 99, एक्स ग्रेटर देन 99, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 99। ये हमने क्या किया, इसको भी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया। 7th क्लास बेटा, जैसे ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो बेटा खुद सॉल्व करोगे और उसके साथ साथ नीट कॉपी पर राइट भी करोगे। अब राइट करते हुए आपने बेटा एक बात का ख्याल रखना है, वो ये कि यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट किस तरह से लगाई हुई है, मैंने ब्रैकेट, कोई ब्रैकेट जो है वो मैंने लाइन से नीचे नहीं लगाई। तो जो बेटा आपने काम करना है, आपने भी कोई ब्रैकेट लाइन से नीचे नहीं लेकर आनी, ठीक है। Stay blessed. Allah Hafiz.